कीरतपुर नगर पालिका से जनता के लोकप्रिय चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने नगर निकाय चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल कर परचम लहराया। आपको बता दें कि उनके तीसरी बार चेयरमैन बनने से विरोधी पक्ष में खलबली मची हुई है। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर की नगर पालिका कीरतपुर में वैसे तो सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार कर अब्दुल मन्नान से के सामने चुनाव मैदान में उन्हें शिकस्त देने के लिए भेजा, लेकिन जनता के लोकप्रिय चेयरमैन अब्दुल मन्नान को सपा से उम्मीदवार बनाया गया था। कीरतपुर में अब्दुल मन्नान अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने सभी पार्टी प्रत्याशियों को हराकर तीसरी बार जीत हासिल की। आपको बता दें कि अब्दुल मन्नान लगातार नगर की जनता की सेवा में लगे रहते हैं और उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। यही कारण रहा है कि नगर की जनता उनसे बेहद प्रेम करती है और जनता ने उन्हें यह चेयरमैन बनाकर साबित भी कर दिया है। अब्दुल मन्नान की जीत से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उनके आवास पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जनता के लोग उन्हें सम्मानित भी करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने नगर क्षेत्र की जनता का जीतने के बाद आभार जताया है। उन्होंने जीत का श्रेय नगर की जनता और नगीना विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मनोज पारस और उनका चुनाव लड़ा रहे समर्थकों को दिया है। चेयरमैन साहब, आपको तीसरी बार जनता ने प्यार दिया है, क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे और क्या क्या मुश्किलें इस दौरान आपके लिए आई? सबसे पहले तो मेरा अस्सलाम वालेकुम और आदाब। जनता के लिए मेरा संदेश है, जनता को बहुत बहुत बधाई और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत से मुझे मेरे शहर ने नवाजा है, पूरे शहर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझ पर तीसरी बार विश्वास दिखाया और मुझे टिकट दिया है। और हमारे माननीय मनोज पारस जी मेरे बड़े भाई हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है मुझे टिकट दिलाने में, चुनाव लड़ाने में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई जनता से बस अपील है मेरी कि अपना अभी फ़िलहाल हम कोई रोड शो वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ना ढोल बोल पटाखा कुछ नहीं बजाएंगे। कल भी मैंने कह दिया था, खैर अल्लाह का शुक्र कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 144 लागू है भी धारा। और परेशानियां चुनाव में बहुत सारी आती हैं, आपको पता है, तो चुनाव का पार्ट होता है। उनसे डर के घर बैठ जाएँ या उनके दबाव में आके बैठ जाएँ, हम लोग ऐसे हैं नहीं, अल्लाह का शुक्र। हम समाजवादी लोग हैं, हम किसी परेशानी से या किसी भी चीज़ से डर के घर बैठने वाले नहीं हैं। पूरे संघर्ष और पूरी टीम के साथ, पूरी टीम ने दिलो जान से चुनाव लड़ाया, मेरी मेरे भाइयों ने सबने लग लिपट के लड़ाया और अल्लाह ताला ने फतेह दी। क्या लगता है इस बार किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? फिलहाल तो कोई मुद्दा ही नहीं है देश में, एक ही मुद्दा तुम्हें पता है, भाजपा सरकार और उसका काम ना करना, वही मुद्दे हैं। अब देखते हैं आगे जो भी कुछ होगा, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करेंगे। ठीक है।